चंपारण बिहार से यादव जी लिखते हैं कि मैं बचपन से अस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन करता आ रहा हूँ और अब मेरी शादी हो गई है लेकिन ये आदत नहीं छूटती। राजेश जी पूछते हैं कि मेरा लिंग चेंज होता है स्टैंडिंग पोजीशन में, क्या इसे मैं थोड़ा लंबा कर सकता हूँ। ये पत्र आया लखनऊ से, मेरी शादी को अभी 2 महीने हुए हैं, मैं अपने पति से बहुत नाखुश हूँ। सेक्स तो दूर, मुझे फोरप्ले के 2 मिनट के अंदर ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है। मैं 19 साल का लड़का हूँ, मुझे स्वप्न दोष की शिकायत है, क्या इसका कोई उपाय है। मैं एक 19 साल का लड़का हूँ, मेरे पेनिस की स्किन खुलती नहीं है, डॉक्टर कहते हैं कि मुझे ऑपरेशन कराने की जरूरत है, क्या ये सही है। ये सवाल आया मैनपुरी से, मैं 23 साल की युवती हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपने प्रेमी के साथ आरक्षित शारीरिक संबंध पीरियड्स के 2 दिन में के बाद किए हैं, अब मुझे डर लगता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। चंपारण बिहार से यादव जी लिखते हैं कि मैं बचपन से अस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन करता आ रहा हूँ और अब मेरी शादी हो गई है लेकिन ये आदत नहीं छूटती। पिछले 1 साल से मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी है, दिमागी परेशानी रहती है और काम में मन नहीं लगता, क्या ये लक्षण अधिकतर अस्तमैथुन करने से हैं और अगर हैं तो इसका निदान क्या है। यादव जी पहले तो ये समझिए कि मास्टरबेशन यानी कि अस्तमैथुन एक सामान्य प्रतिक्रिया है, ये ना सिर्फ मनुष्य में पाई जाती है परंतु जानवरों पक्षी पंछी इन सब में भी पाई जाती है। ये कुदरत की देन है और इसे ना तो कोई शारीरिक और ना मानसिक कष्ट होता है। अब सवाल ये है कि आपको जो परेशानी हो रही है वो क्यों हो रही है, आपने ये नहीं बताया कि आप किस जॉब में हैं, क्या व्यवसाय है आपका। प्राय ये देखा गया है कि जिनकी हाई स्ट्रेस जॉब होती है जैसे कि CEOs कंपनी के, एग्जीक्यूटिव्स कंपनी के, उनमें एक बर्नआउट सिंड्रोम हो जाता है जिसके लक्षण इसी तरह होते हैं। बर्नआउट सिंड्रोम यानी कि अर्ली एंड्रोपॉज जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। तो ये तो एक बीमारी है जो जिसका वो ही लक्षण है जो आप बता रहे हैं। मेरी सलाह ये है कि आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें, फिजिशियन से, जो आपको टेस्ट करके ये पता लगाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। पर ये मेरी बात मान के चलिए कि अस्तमैथुन और मैस्टरबेशन से कोई हानि नहीं होती, ना ही मानसिक ना ही शारीरिक। राजेश जी पूछते हैं कि मेरा लिंग चेंज होता है स्टैंडिंग पोजिशन में, क्या इसे मैं थोड़ा लंबा कर सकता हूँ। राजेश जी पहले तो ये समझिए कि चेंज जो आप कह रहे हैं वो एवरेज इंडियन की स्टैंडिंग अप लेंथ होती है, तो आप तो अधिकतर हिंदुस्तानियों के पिनाइल लेंथ में आ जाते हैं। अब रहा सवाल लेंथ बढ़ाने का, इस संभव है सिर्फ शल्य चिकित्सा द्वारा। जो ये एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि गोलियां खा के या ये यंत्र लगा के, ये सब मेरे ख्याल से धोखाधड़ी है और इस पर मत जाइए, क्योंकि ऐसी कोई हमारी समझ से चीज़ नहीं है जिससे लेंथ बढ़ाई जा सकती है। सर्जरी करके अधिकतम से अधिकतम 1 इंच लेंथ बढ़ाई जा सकती है और वो भी कुछ बार्टर सिस्टम करना पड़ता है, क्योंकि जो लेंथ में आपकी बढ़ोतरी होती है वो स्टेबिलिटी में कमी हो जाती है। लिंग तब जो अपने बेस पे बना होता है वहाँ से हट जाता है और इसको फ्लॉपी पेनिस बोलते हैं। तो कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान होता है लेंथ बढ़ाने का, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप क्यों चाहते हैं अपने लेंथ बढ़ाना। एक सर्वे हुआ है, ग्लोबल सर्वे, जिसमें पता चला है कि स्त्रियों को लेंथ नहीं स्ट्रेंथ चाहिए होती है, यानी कि कड़ापन, लिंग का कड़ापन चाहिए होता है ना कि लेंथ। ये तो हम लोगों के पुरुष के दिमाग में भरा हुआ है कि लेंथ बड़ी होनी चाहिए, लेंथ बड़ी होनी चाहिए। ये पत्र आया लखनऊ से, मेरी शादी को अभी 2 महीने हुए हैं, मैं अपने पति से बहुत नाखुश हूँ। सेक्स तो दूर, मुझे फोरप्ले के 2 मिनट के अंदर ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है, क्या इसमें कुछ सुधार हो संभव है या मैं तलाक के लिए सोचूं। श्रीमती जी आपके पति को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन शीघ्र पतन की शिकायत है, और शीघ्र पतन 2 तरीके का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी होता है बाद में जो आता है और सिचुएशनल होता है ज़्यादातर, प्राइमरी जो होता है वो शुरू से ही होता है और वो ज़्यादा गंभीर रूप में होता है जैसे कि आपके पति को है। तो मैं समझता हूँ उनको प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन प्राइमरी शीघ्र पतन की शिकायत है, इसका इलाज संभव है, लेकिन इसमें आपको और उनको दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, खाली दवाइयों से काम नहीं चलता, इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस लाने होते हैं और उसके साथ साथ दवाइयां भी कुछ उपलब्ध हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, कुछ मेडिकेटेड स्प्रे आते हैं जिससे और शीघ्र पतन का निदान हो सकता है, परंतु ये सब डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए।
मैं समझता हूँ किसी एंड्रोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें और डाइवोर्स की ना सोचें। मैं आपको बता दूं कि मैं इस विषय में पहले एक वीडियो में बोल चुका हूं, और अगर आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो इस विषय में जो वीडियो है उसको सुने, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग खुद कर सकते हैं और इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मैं 19 साल का लड़का हूं, मुझे स्वप्न दोष की शिकायत है, क्या इसका कोई उपाय है? स्वप्न दोष यानी कि नाइट फॉल इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य चीज़ समझी जाती है। इसका कारण बहुत गूढ़ है। आप समझिए कि हर 48 घंटे में पूरे स्पर्म्स जो बॉडी में बनते हैं, जो टेस्टिस में बनते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं और नए स्पर्म्स बनते हैं। जो पिछले 48 घंटे में स्पर्म बने और स्टोर्ड हैं, सेमिनल वेसिकल जो थैली होती है जिसके अंदर वो रखे रहते हैं, उनको फिर निकलना पड़ता है। कुछ तो बॉडी नष्ट कर देती है, कुछ मास्टरबेशन के जरिए में हो जाते हैं, और बाकी जो बचे वो कुदरत की देन है कि सोते समय वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसका एक बहुत फ़ायदा यह है कि पुराने स्पर्म्स जो कि चलने में इतने सक्षम नहीं हो पाते वो निकल जाते हैं और नए स्पर्म्स, फ्रेश स्पर्म्स उसकी जगह ले लेते हैं। ये तभी संभव है जब वहाँ इतनी जगह होगी। और ये जगह कैसी होती है? तीन तरह से शुक्राणु नष्ट होते हैं। एक तो बॉडी कुछ नष्ट कर देती है, दूसरा मास्टरबेशन के जरिए निकल जाते हैं, और जो बाकी बचे जाते हैं वो सोते समय अपने आप ही इमिशन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है उनका। उसे हम नाइट फॉल कहते हैं, स्वप्न दोष के नाम से इसको कहते हैं। तो ये कुदरती तौर की चीज़ है, इसमें ना तो कोई उपाय करने की ज़रूरत है, ना इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये बॉडी का मैकेनिज़्म है जो आमतौर अपने आप से होता है और बॉडी की ज़रूरत में आता है। मध्य प्रदेश से एक सवाल आया है। मैं 21 साल की लड़की हूँ, मेरी वजाइना से सफ़ेद तरल पदार्थ निकलता है जो कि मेरे मेंसेस के बाद और भी बढ़ जाता है और मेंसेस से पहले 4-5 दिन के लिए रुक जाता है। इसमें कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होती, क्या यह सामान्य है और क्या इसका कोई इलाज कराना चाहिए? देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, और इसको फीमेल धात सिंड्रोम बोलते हैं। धात सिंड्रोम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में विशेष तौर पर पाई जाती है, जैसे कि इंडिया, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन सब देशों में पाई जाती है। और इसको हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है, इसकी कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी बताई गई हैं। इसके लक्षण वही होते हैं जो कि आपने बताए हैं, यानी कि सफ़ेद पानी आना, तो कोई स्मेल नहीं होती, कई बार बढ़ जाता है मेंसेस के बाद और मेंसेस पहले घट जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद और बढ़ सकता है। इसका कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। हानि इसकी कब होती है? जब इसमें मानसिक तनाव चालू हो जाता है इसके लिए, इस कंडीशन को लेके। यह हर एक स्त्री में नहीं पाया जाता, कुछ ही स्त्रियों में होता है, और इसका रिलेशन होता है स्किन ग्लैंड्स जो कि वजाइना में मिलते हैं और यूरेथ्रा के ग्लैंड्स होते हैं, जिससे ये सिक्रीशन चालू होता है और अपने आप ही बंद हो जाता है। हाँ, इसको ल्यूकोरिया से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, उससे इससे इसका अलग कर देना चाहिए। ल्यूकोरिया एक कंडीशन होती है जिसमें इन्फेक्शन की वजह से सब तरल पदार्थ निकलता है, परंतु उसमें स्मेल होगी, उसमें येलोइश डिस्चार्ज हो सकता है। उसके लिए दवाइयों की जो आवश्यकता है उसको किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, परंतु ये जो तरल पदार्थ निकलता है जिसमें स्मेल नहीं होती, जो ट्रांसपेरेंट होता है और जो कि मेंसेस के आगे पीछे बढ़ता करता रहता है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सामान्य चीज़ है और कुदरती की दी हुई चीज़ है। मैं एक 19 साल का लड़का हूँ, मेरे पेनिस की स्किन खुलती नहीं है। डॉक्टर के कहते हैं कि मुझे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, क्या ये सही है? देखिए, आपको एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं फाइमोसिस, जिसमें स्किन आगे की टाइट, बहुत टाइट होती है और पीछे करने नहीं हो पाती। इसको करने की कोशिश भी नहीं करिएगा, क्योंकि स्किन अगर पीछे अटक गई तो फिर एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है जिसको बोलते हैं पैराफाइमोसिस। फिर वो स्किन आगे नहीं आती और उसको हॉस्पिटल में जाके ही उसके चेक करना पड़ता है, वापस उसको अपनी जगह पर लाना पड़ता है। अब फाइमोसिस वैसे तो यूरिन करने के लिए, सेक्स करने के लिए ठीक है,
लेकिन हाइजीन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अंदर स्मेग्मा एक सिक्रेशन होता है पेनिस का, वो इकट्ठा होता रहता है और वो जाके इन्फेक्शन वगैरह कर सकता है। तो स्किन को पीछे करके रोज़ रोज़ साफ करना चाहिए, और क्योंकि ये संभव नहीं है इसके लिए एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं खतना या सर्कमसीजन। इससे आगे की स्किन काट के थोड़ी पीछे की जाती है और ये असाधारण ऑपरेशन है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। सुबह आके शाम तक घर भेज देते हैं आमतौर पर, और स्किन में तो स्विचेस लगाते हैं, वो अपने आप ही घुलने वाले होते हैं, इसलिए उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका एक और लाभ है क्योंकि वेस्ट में लोग करवाते हैं सिर्फ इसलिए सेक्स का आनंद बेहतर हो जाए, तो दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी हाइजीनिकली ठीक है और दूसरा सेक्स में भी फायदा होता है। इसके कहते हैं आप इंतज़ार ना करें और इसको कितना ऑपरेशन यानी सर्कमसीजन का ऑपरेशन इसे अपने पास के अस्पताल में करवा लें। ये सवाल आया मैनपुरी से, मैं 23 साल की युवती हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपने प्रेमी के साथ आरक्षित शारीरिक संबंध पीरियड्स के दो दिन में के बाद किए हैं। अब मुझे डर लगता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई, प्लीज़ हेल्प करें डॉक्टर। ये प्रेगनेंसी और सेक्स का सवाल बहुत सामान्य सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है। प्रेगनेंसी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में होने की संभावना होती है, 5-6 दिन ऐसे होते हैं जहाँ बहुत चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। आमतौर पर ये कहा जाता है कि 11वें से लेके 18वें दिन तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11वें से 18वें दिन के बीच में अगर सेक्स करते हैं अनप्रोटेक्टेड आरक्षित, तो प्रेगनेंसी की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो अगर 11 से 18 दिन के बीच में सेक्स करते हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, तो उनकी संभावना बच्चे होने की ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हमें दूसरा तरफ देखना है, पहले 11 दिन, पहले 10 दिन और बाद के 18 से 30 रिलेटिवली सेफ डेज समझे जाते हैं। वैसे तो सेफ डे कोई भी नहीं है, किताबों में लिटरेचर में लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन के सो कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन के दूसरे दिन में ही प्रेगनेंसी होना संभव है, परंतु ये इसकी संभावना बहुत कम होती है, इट इज़ रेयर। पर आपको इसमें ध्यान देना चाहिए, आरक्षित सेक्स ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, और फुल प्रूफ चाहते हैं प्रेगनेंसी ना हो तो कॉन्डम का इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, या दवाइयाँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनको लेना चाहिए, यही सबसे फुल प्रूफ मेथड है प्रेगनेंसी ना होने का। आपके सवाल का यह है कि दूसरे दिन पीरियड्स के दूसरे दिन क्या, वेट करिए देखिए अब नेक्स्ट पीरियड्स में क्या होता है। 99% चांसेस ये हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, 1% अगर होता है तो उसके फिर आपको आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं 36 साल का पुरुष हूँ, मुझे शीघ्र पतन की परेशानी है, इसके लिए मैं बाज़ार से डीले स्प्रे इस्तेमाल करता हूँ, क्या यह सेफ है? मैं महीने में 5-6 बार इस्तेमाल करता हूँ। डीले स्प्रे और अन्य स्प्रे जो बाज़ार में मिलते हैं कुछ तो ठीक है, परंतु ये बताना कि कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं बड़ा मुश्किल है। मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जो स्प्रे लगाने के बाद उनका इरेक्शन होता था वो भी चला जाता है, तो फायदा होना तो दूर, नुकसान हो सकता है। इसलिए जो मेडिकल स्प्रे नहीं है उनको ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, और ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेडिकली अप्रूव्ड स्प्रेज आते हैं, लिग्नोकेन स्प्रेज आते हैं जिसमें लोकल एनेस्थेटिक मिला होता है, और वो लोकल एनेस्थेसिया से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन डिले किया जा सकता है। और भी अन्य दवाइयां हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए जो होता है, मैं आपको रेफ़र करता हूँ, मेरा एक वीडियो आ चुका है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के ऊपर, उसको सुनिए, उसमें बहुत सारी ऐसी तरकीबें हैं जो आप घर पे ही कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं आप दोनों पार्टनर्स, और जिससे बहुत लाभ हो सकता है। कुछ दवाइयाँ भी हैं उसमें जो कि लेने से इस कंडीशन में सुधार होता है।